और स्पेन में बाढ़ की वजह से तबाही मच गई। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से यहाँ बाढ़ आ गई, जिससे कि कई शहर डूब गए। नेशनल वेदर एजेंसी के मुताबिक पिछले 6 महीने की तुलना में वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जिससे रिहायशी इलाके पूरी तरह डूब गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। एक अपार्टमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गई। सैलाब के बीच रात का काम करने वाले लोग पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकालते दिखाई दिए। रिहायशी इलाके के साथ सड़कें भी पानी में डूब गईं और वहां दरिया बहता नजर आया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया। साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में पुलिस के जवान, दमकल कर्मी और राहत का काम करने वाले लोगों को तैनात कर दिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शाहखर्ची उनके लिए मुसीबत बन गई। लाहौर के जमान पार्क इलाके में उनका आलीशान घर है, जिस पर टैक्स विभाग ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का नोटिस थमा दिया, जिसके मुताबिक इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में मौजूद अपने पुराने घर को तोड़वाकर नया आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर लाहौर प्रशासन ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान को मजबूरी में यह टैक्स भरना पड़ा। इससे पहले लाहौर प्रांत के टैक्स